नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। शुरुआत लखनऊ की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है 68 लाख का सोना। बता दें कि जींस की बेल्ट में छिपाकर ये सोना ले जाया जा रहा था। बैंकॉक से लौटा था गोरखपुर का यात्री। कस्टम टीम ने यात्री को सोने के साथ पकड़ लिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पर 68 लाख का सोना पकड़ा गया है। बता दें कि जींस की बेल्ट में छिपाकर ये सोना ले जाया जा रहा था और जो यात्री था वो बैंकॉक से गोरखपुर की यात्रा कर रहा था और कस्टम टीम ने यात्री को सोने के साथ पकड़ लिया है। अयोध्या में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज होने के कुछ ही घंटों में आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया। वो पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश कर रहा था। थाना महाराजगंज के ही एमी आलापुर रोड पर तारापुर गांव के पास का यह एनकाउंटर हुआ है। बदमाश सलमान ने 4 साल की मासूम के साथ रेप का आरोप है। दिनांक 26/8/2024 को थाना महाराजगंज के ग्राम कुमिया में एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिर द्वारा सूचना थाना महाराजगंज के SHO अमरजीत की टीम को प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त एमी आलापुर के तारापुर मोड़ के पास से इसके भागने की सूचना है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से लक्ष्य करके फायर किया गया। दौरान पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां पानी के गड्ढे में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टों की मिट्टी में लिए गहरे गड्ढे खोदा गया था, जिसमें बरसात का पानी जमा हो गया था। दोनों बच्चे जन्माष्टमी की झांकी देखने के लिए निकले हुए थे। लोगों से पूछताछ में पता चला कि दोनों जमुना बाग में सागर ईंट भट्टे की तरफ गए थे। वहां जाकर देखा तो उनकी साइकिल गड्ढे के पास पड़ी हुई थी और दोनों बच्चों का शव उस गड्ढे के अंदर से मिला है। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं झांसी के शहर कोतवाली इलाके में एक बाइक में संदिग्ध हालत में आग लग गई। भारी बारिश के बावजूद बाइक में आग लगने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अनुमान है कि बाइक पर आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दमकल कर्मियों को बुलाकर आग पर काबू पाया। लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। प्रतिनिधि विशेष बैठक में मायावती को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, जिसमें देश भर से चयनित बहुजन समाज पार्टी के विशेष प्रतिनिधि बैठक में मायावती को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। आज दोपहर 12 बजे से अधिवेशन शुरू होगा। प्रयागराज की फास्ट ट्रैक कोर्ट में अतीक अहमद को उसके भाई अशरफ हत्याकांड की सुनवाई होगी। गवाहें भी दर्ज की जाएंगी और 15 अप्रैल 2023 को दोनों की हत्या हुई थी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों में तमाम सियासी दल जुटे हुए हैं। सीएम योगी उपचुनावों के लिए कमान संभाल रखी है, जिसे लेकर सीएम योगी लगातार उपचुनावों वाले जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी चुनाव कर योजनाओं की सौगात रोजगार मेले के जरिए लोगों को दे रहे हैं, साथ ही संगठन के साथ बातचीत और कोऑर्डिनेशन का संदेश भी दे रहे हैं। सीएम योगी अगले 10 दिनों के अंदर चुनाव वाले 4 जिलों का दौरा करेंगे। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनावों की कमान सीएम योगी ने संभाल रखी है।
सीएम योगी चुनाव वाले जिलों के दौरे कर योजनाओं की सौगात रोजगार मेले के जरिए लोगों को दे रहे हैं। संगठन के साथ बातचीत और कोऑर्डिनेशन का संदेश भी सीएम योगी दे रहे हैं। सीएम योगी अगले 10 दिनों के अंदर चुनाव वाले 4 जिलों का दौरा करेंगे, जहां रोजगार मेले के जरिए 30,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की कमान को संभाले हुए हैं। उपचुनाव जिन जिलों में होने हैं वहां की विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे लगातार चल रहे हैं। अगले 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी, मुरादाबाद, अलीगढ़ समेत 4 जिलों के दौरे करेंगे और यहां पर योजनाओं की सौगात तो देंगे ही, इसके अलावा रोजगार भी यहां के युवाओं को उपलब्ध कराएंगे रोजगार मेलों के माध्यम से। सीएम योगी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक उपचुनाव वाले जिलों का फीडबैक लिया। सीएम योगी अब पश्चिम के सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुट होकर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में लगा हुआ है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के बाद रोजगार मेलों का सृजन करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए काम हो रहा है और अगले 10 दिनों में 30,000 से ज्यादा नौकरी देने का काम हो रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले उपचुनाव में यह कदम निश्चित रूप से बड़ा लाभ पहुंचाएगा। उपचुनाव वाले जिलों में सीएम योगी के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। रोजगार विकास योजनाओं और जनसभा बैठकों से सीएम योगी माहौल बना रहे हैं। 10 दिन में 4 रोजगार मेलों में शामिल होंगे। 30,000 लोगों को रोजगार देगी योगी सरकार। 27 अगस्त को मैनपुरी में सीएम योगी का कार्यक्रम है। 28 अगस्त को अलीगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन है। वहीं 1 सितंबर को मिर्जापुर में सीएम योगी का कार्यक्रम है। 2 सितंबर को मुरादाबाद में सीएम योगी के कार्यक्रम है। अंबेडकर नगर, अयोध्या और मुजफ्फरनगर में रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने 18 मंडलों की सिलसिलेवार मीटिंग भी की, जिसमें सांसद, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की पूरी तरीके से कमान संभाली है और पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में जो उपचुनाव की सीटें हैं वहां पर ताबड़तोड़ दौरे किए। अब पश्चिम और मैनपुरी समेत तमाम जिलों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे करने जा रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।